की गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। छत्तीसगढ़ के साधकों की ओर से निखिल चेतना केंद्र की ओर से यह जो राजिम या राजी लोचन में शिविर संपन्न किया जा रहा है होली की रात्रि का, ये अपनी विशेषता लेकर है क्योंकि वर्ष में तीन रात्रियों को विशेषता प्रदान की जो तंत्र की रात्रियां कहलाई गई है, शिवरात्रि, होली की रात्रि और दीपावली की रात्रि। उसी प्रकार तीन नवरात्रियां भी श्रेष्ठ हैं शक्तियों के अनुसार, अपने अपने महालक्ष्मी महाशक्ति महाकाली के अनुसार। इस होली की रात्रि हम सारे तंत्रों को एक ही जगह अगर लेकर कोई साधना संपन्न की जाए तो हमारे जीवन में होने वाली तंत्र बाधाएं हो या हमारे जीवन में आने वाली अड़चने हो, उस सभी को समाप्त किया जा सकता है। चाहे वो हमारी दरिद्रता हो, हमारी रोग बाधाएं हो, हमारी शत्रु बाधाएं हो और हमारे की अनेक प्रकार की अड़चने हो जो हम अच्छे काम करना चाहते हैं फिर भी हमारे जीवन में काम करते समय जिस प्रकार की समस्याएं आती है और उस समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो इस एक रात्रि की साधना अगर हम संपन्न कर लेते हैं तो वर्ष भर के लिए हमारे घर में या हमारी साधनाओं में किसी प्रकार की समस्याओं का आना या समस्याएं नहीं मिटना ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अनुभव के साथ कह रहा हूँ। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, कभी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी शिविर किया करते थे तो मैं भी आप ही की तरह शिविर में बैठा करता था, सभी के आखिरी के कतार में बैठता था और साधना शिविर के बारे में सुनता था। उनके जीवन में उन्होंने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की है, उन्होंने साधकों को ढूंढा है और साधकों को तैयार किया है। ऐसा नहीं कि सिद्धों को, ऐसा नहीं कि इन उन लोगों को जो शक्तिपात करते हुए इतने सिद्ध हो गए कहने वालों को नहीं ढूंढा है। उन्होंने कहा है कि साधना करने वाले साधक मुझे चाहिए और एक बार भारत में साधक निर्माण हो जाए तो आने वाले पीढ़ियों के लिए ऐसे बीज महान वृक्ष तैयार होंगे और वो सभी के लिए एक प्रकार का छांव ही नहीं, हर प्रकार के अनुवा एक जड़ी बूटी बनेंगे, एक वृक्ष महान वृक्ष बनेंगे और बहुत सारे लोगों को उनकी छत्रछाया में जीने का अधिकार होगा। ऐसे साधकों का निर्माण गुरुजी की इच्छा थी। और जब भी मैंने गुरुजी के जितनी भी पत्रिकाएं पढ़ी हैं या उनके प्रवचन सुने हैं, उनके शिविरों में भाग लिया हूं और हैदराबाद में भी गुरुजी के हाथों शिविर किए हैं, तो उनका चिंतन एक ही बना रहता था कि जोशी अच्छे साधक चाहिए। बिना साधना के इस संसार में कुछ नहीं हो सकता, तपस्या से सभी कुछ प्राप्त होता है। हम तपस्या से भगवान को भी बाध्य करते हैं कि वो हमारे सामने आकर खड़े हो जाए, यह केवल साधना के मार्ग से हो सकता है, बिना साधना के मार्ग से यह नहीं हो सकता। हम केवल शक्तिपात या किसी कार्य के माध्यम से हम करें तो हमारे सामने यह कार्य नहीं हो सकता, हमें साधना के मार्ग से हम इस चीज को, इस समस्या का समाधान हम ढूंढ सकते हैं। मैं आज इस होली की रात्रि में भी आपसे यही कहने आया हूं कि शायद निखिल चेतना केंद्र से जितने भी जुड़े हों या निखिल चेतना केंद्र को आए हुए हों, उनके पीछे मेरा एक ही लक्ष्य था कि हम छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, हमारे घर में अपनी समस्याएं हैं, अपने समस्याओं को लेकर हम जूझते हैं और हमारे को साधनाएं संपन्न करने में कठिनाइयां होती है, चाहे घर छोटा हो या घर की समस्याएं हो, माता पिता हो, गली हो, समाज हो, ये सारे हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं तो हम साधना नहीं कर सकते। मैं चाहता था कि एक साधना के लिए एक साधना ऐसी स्थली हो जहाँ वो रात के 12 बजे भी साधना कर सके, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी साधना कर सके, मध्याह्न में, और उसको कोई टोक ना सके, साधना करते समय कोई टोकने वाला ना हो, ऐसी एक साधना स्थली हो। यही उद्देश्य लेकर मैंने परम पूज्य सद्गुरुदेव से पूछा था और उसी उद्देश्य लेकर मैंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की। इसके पीछे मेरा दूसरा उद्देश्य नहीं था कि कोई मैं गुरु बनना चाहिए, मुझे लोग गुरु कहें, ये मेरा कदापि कतई उद्देश्य नहीं था। आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ तो एक गुरु भाई के नाते बैठा हुआ हूँ, निखिल चेतना केंद्र की स्थापना भी किया हूँ तो केवल गुरु भाई के नाते कि मेरे भाइयों को साधना के लिए स्थली प्राप्त हो, साधनाएं करने के लिए उनको एक जगह हो। आज न मैं असमर्थ गया हूँ और मेरे साथ जितने भी निखिल चेतना केंद्र में से जुड़े हुए हैं, मैं उनको बिना साधना के जीने नहीं देता और साधना करने लगाता हूँ, उनको सामर्थ्यवान बनाता हूँ, असमर्थ नहीं बनने देता, असमर्थ नहीं मरने दूंगा, उनको सिद्धाश्रम जो इस मार्ग पर गुरु जी ने कहा है उस मार्ग पर ले जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा उनके साथ, मैं भी जाऊंगा और गुरु जी को बता दूंगा कि साधना में शक्ति है। खाली बातें बनाना, बैठना, जाना ये नहीं है, आप साधना है। मैं केवल पहले से भी कहता हूँ
साधना के लिए आप महीने में 5 दिन मुझे दे दो, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान मैं बता दूंगा, क्योंकि गुरु जी की ऐसी ही साधनाएं दी हुई है। तुम्हारी तो छोटी छोटी समस्याएं, ये तो समस्याएं छूट जाएगी। तुम ऐसे बनो, तुम्हें देवता लोग कहें, तुम्हें लोग कहें कि ये देवता है, ये मेरे लिए काम करता है। आज भी हम सुनते हैं, अगर हम किसी के कष्टों में, किसी के दुख में अगर हम जाकर उसका साथ देते हैं तो वो कहता है कि ये मेरे लिए देवता है, इसने मेरे को दुख में सहायता की है। हम ऐसे बने। आज हम देखते हैं कि थोड़ी परिस्थितियां ऐसी है कि हम अपनी पत्नी पत्नी बच्चों को खिला नहीं सकते, अपने बच्चों को चला नहीं सकते, अपने बच्चों को एक आनंद प्रदान नहीं कर सकते, सुख प्रदान नहीं कर सकते, और हमारे आंखों में आंसू आते हैं कि हम क्या जीवन जी रहे हैं। मैं कहता हूं ये जीवन नहीं है। परिवार को तो जीना जीना ही है, लेकिन ऐसा भी जीना चाहिए कि हमारे साथ 100 लोगों को लेकर जिए। वो जीवन है, वो सामर्थ्यवान पुरुष है और सामर्थ्यवान गुरु जी का शिष्य है। वो जो करता है वो एक सामर्थ्यवान व्यक्तित्व है, और वो सामर्थ्य हम प्राप्त करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उस सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकते, केवल हमारे में कमी ये है कि हम 2 साधनाएं करके तीसरी साधना को छूट जाते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने बहुत साधनाएं की, मेरे को कुछ फल नहीं मिला। कहते हैं कि वशिष्ठ महर्षि 1000 साल एक तारा साधना की तपस्या के लिए गिरे और 1000 साल में सफलता नहीं मिली तो तारा मंत्र को श्राप देने गए। तब ब्रह्मा जी आकर कहते हैं रुक जा वशिष्ठ, रुक जा, तूने क्या गलती की है मैं तुझे बताता हूँ। तुझे इस किस विधान से साधना करनी थी, तू इस विधान से साधना नहीं किया, इसलिए तुझे तारा सिद्ध नहीं हुई। मैं बताता हूँ तुझे तारा सिद्ध कैसे करना है, और तू उस मार्ग से तारा का साधना संपन्न कर। और वशिष्ठ जी ने चिनायन में जब साधना संपन्न की तो उन्हें केवल 40 दिन में साधना संपन्न हुई। लेकिन यही बात उनके प्रतिद्वंदी कहो, एक मारे में महर्षि होने के बाद भी, ब्रह्मर्षि होने के बाद भी, विश्वामित्र जी, जब विश्वामित्र जी जा रहे थे तो विश्वामित्र जी को उनके शिष्य कहते हैं कि हे विश्वामित्र, हम आपके शिष्य बनकर आपके साथ आ रहे हैं, हम जंगलों में भटक रहे हैं, हमारे को एक रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, हम घोड़े को दिए हुए दाने चबाते हुए आ रहे हैं, हमारी भी क्या जिंदगी। और वशिष्ठ आश्रम में देखो कामधेनु लगी हुई है, वो लोग सोने की थाली में खाना खाते हैं, अमृत पीते हैं, और हमारी जिंदगी देखो। विश्वामित्र को ठेस लगी, मैं महर्षि हूँ, मैं मेरे शिष्यों को खिला नहीं सकता, तो ये मेरी जिंदगी जिंदगी क्या है। और उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मी, तू जहां भी हो, वैकुंठ में बैठी हुई हो, अगर तुझे मैंने मेरे आंगन में नहीं नचाया तो मैं महर्षि विश्वामित्र नहीं हूं, और मैं ये नहीं कार्य नहीं कर सका तो मैं उस तरह इस तपस्या को सबको छोड़ देता हूं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु जी ने पत्रिका में कही है कि लक्ष्मी को किस तरह बांधा जाता है, तारा को किस तरह प्रसन्न किया जाता है। और उन्होंने 5 दिन में, केवल 5 दिन में स्वर्ण तारा को सिद्ध किया था, और स्वर्ण के ईंटों से अपना आश्रम बनाकर उनको, अपने शिष्यों को स्वर्ण की थाली में खिलाया था। ये भी हमारे ऋषि है, वो भी यही व्यक्तित्व था, वो यही साधना की स्थिति है, और आज हम वो साधनाएं नहीं करते। हाँ, साधनाओं के बारे में हमें ज्ञान नहीं है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि देखो भाई 5 दिन या 11 दिन दूध पे साधना करनी है तो बस उस समय से मेरे को आरंभ हो जाता है। गुरु जी, 1 समय दूध पियो या 2 समय, 1 समय खाना खाऊंगे 2 समय, गुरु जी सो सकता हूँ ना थोड़ी देर, यहाँ से पूछना आरंभ हो जाता है। आखिर गुरु जी कहता है तू साधना न करना ही अच्छा है, तू मत कर, इस स्थिति को लेकर आते हैं साधना करते समय। एक बार गुरु के मुख से निकल गया कि तुझे ये साधना करनी है, तुझे प्रश्न नहीं करना है, दूध पे करना है, करके बता। बाद में तो भार गुरु का है कि तुझे तारता है या मारता है, ये गुरु देख लेता है। लेकिन हमारे में बहुत सारे लोग, घर कोई भी साधना करो, कोई भी साधना करो, बोलो तुम 5 दिन हमारे के लिए दो, गुरु जी ऐसा है मैं 3 दिन एक बार, 2 दिन बार एक दे सकता हूँ क्या? अरे मैं महीने में 5 दिन एक साथ देने के लिए कहूँ, गुरु जी ऐसा करता हूँ 2 दिन पहले आता हूँ, 2 दिन बाद में एक दिन आता हूँ, तुम आता बोलता हूँ। तू केवल 5 दिन महीने में दे सकता, नहीं दे सकता तो मत ही आ, तेरी इतना ही है, तू साधना ही, वो तो 1000 साल तपस्या में, मुझे तुझे कह रहा हूँ कि केवल साधना के 5 दिन मुझे दे दे। इस प्रकार हम देवताओं से भी, देवताओं को भी इतना हम मजबूर कर सकते हैं कि वे आए हमारे और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें, हम साधना के बल पर, क्योंकि देवताओं ने कहा है। साबर विधान में अगर नवनाथ संप्रदाय में देखते हैं तो हर बात में उन्होंने कहा है कि हे देवता, तुझे मेरा काम करना है, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पुरो मंत्र ईश्वर वाचा, मेरे गुरु की शक्ति है और मेरी भक्ति है, तो तुझे हे ईश्वर, तुझे आना ही होगा, ये कार्य करना ही होगा। आज वैसे साधक कहाँ है,